ग्रुप थ्योरी में आज हम ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस को डिस्कस करेंगे, जिसको हम Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सेट ही होता है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के। और साथ ही हम इसका काइलिस टेबल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। अगर ये ग्रुप होगा तो इसके ऊपर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी और इसका टेबल भी बन जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आई स्केयर इज इक्वल्स टू जे स्केयर इज इक्वल्स टू के स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस वन। आई फोर इज इक्वल्स टू जे फोर इज इक्वल्स टू के फोर विच इज इक्वल्स टू वन। स्केयर था तो नेगेटिव है, जब हम उस स्केयर का मजीद स्केयर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हम आई जे के को एंटी क्लॉक वाइज देखें तो ये आई है, जे एंड देन के। तो इस फिगर की मदद से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आई डॉट जे के इक्वल है, जे डॉट के आई के इक्वल है, और के डॉट आई जे के इक्वल है। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दें, यानी के जे इज इक्वल टू माइनस आई, साइन अब अपोजिट हो जाएंगे। यानी ये आई जे था ना, तो इसको अगर हम जे आई करें तो ये माइनस के इक्वल होगा। जे डॉट आई इज इक्वल्स टू माइनस के डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस आई, इसके साथ जस्ट नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये आई डॉट के इज इक्वल्स टू माइनस जे। इन कंडीशंस की हेल्प से हम अब काइलिस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं Q8 के लिए। ये क्वेश्चन हमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्ट काइलिस टेबल फॉर Q8। तो ये Q8 का सेट हमें याद होना चाहिए जिसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। इसको काइलिस टेबल बनाने के लिए हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। इसमें अब 8 एलिमेंट्स हैं, 1 माइनस वन, आई माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के। 8 एलिमेंट्स हो गए। इन 8 एलिमेंट्स को पहले हमने इस तरह लिखना है रो में, फिर हम इन्हीं 8 एलिमेंट्स को कॉलम में लिखेंगे। 1 माइनस वन, आई माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के। अब हम वन का और वन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वन आ जाएगा। वन का माइनस वन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, माइनस वन आ जाएगा। यानी वन को हम जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी। वन को मैंने इस पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो एज इट इज आ गई। अब मैं माइनस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो माइनस वन आ जाएगा। देन माइनस वन को वन माइनस वन के साथ तो पॉजिटिव वन आ जाएगा। देन माइनस वन को आई के साथ तो माइनस आई आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस आई, उसके बाद माइनस जे आ जाएगा, देन प्लस के आ गया, देन माइनस के, और इसके बाद प्लस के। उसके बाद हम आई को मल्टीप्लाई कराएंगे वन के साथ तो आई आ गया, देन माइनस वन, सॉरी माइनस आई आ गया। उसके बाद आई स्केयर, यहाँ पे हमें पता है कि आई स्केयर माइनस वन के इक्वल है तो इसको मैं लिख रही हूँ आई स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस वन। उसके बाद ये हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्केयर माइनस आई स्केयर हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा माइनस आई स्केयर, जबकि आई स्केयर की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस वन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वन लिख रही हूँ। देन आई डॉट जे, हमें पता है आई डॉट जे के इक्वल होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट के लिख रही हूँ। उसके बाद आई डॉट माइनस जे, आई डॉट जे के इक्वल होता है, जब माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस के आ जाएगा। उसके बाद आई डॉट के माइनस जे के इक्वल होता है तो यहाँ पे मैं माइनस जे लिख दूंगी। उसके बाद आई डॉट माइनस के, अगर हम माइनस को बाहर लें तो ये आई डॉट के बन जाएगा, और आई डॉट के हम जानते हैं माइनस जे के इक्वल है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव जे हो जाएगा। यानी हमारे पास जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो भी इस Q8 से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो भी आंसर्स आ रहे हों, अगर वो भी उस ग्रुप से ही लिए गए हों जो कि हमारे पास अभी Q8 है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं। देन हम माइनस आई को मल्टीप्लाई कराएंगे वन के साथ तो माइनस आई आ जाएगा। उसके बाद माइनस वन को, सॉरी माइनस आई को माइनस वन के साथ आई आ गया। देन आई स्केयर आ जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वन लिख रही हूँ। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस आई स्केयर आ जाएगा,
जबकि आई स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, यहाँ पे अगेन माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद आई जे, आई डॉट जे किसके इक्वल होता है के के, और ये साथ माइनस साइन है तो माइनस के आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, आई डॉट जे किसके इक्वल होता है के, यहाँ पे पॉजिटिव के आ जाएगा। आई इंटू के माइनस जे के इक्वल होता है, लेकिन जब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस जे हो जाएगा। और आखिर पे हमारे पास माइनस आई इंटू माइनस जे किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई डॉट जे किसके इक्वल है, माइनस जे के। सिमिलरली हम जे को वन के साथ कराएंगे, जे आ जाएगा, देन माइनस जे। उसके बाद जे डॉट आई किसके इक्वल है, माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। उसके बाद जे डॉट माइनस आई किसके इक्वल है, माइनस के, लेकिन वो माइनस और ये माइनस प्लस बना देंगे तो प्लस के आ जाएगा। उसके बाद जे स्केयर किसके इक्वल है, माइनस वन के। फिर उसके बाद जे स्केयर और साथ माइनस साइन आ जाएगा, वो माइनस वन के इक्वल होगा, लेकिन वो माइनस साइन से इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव जे बन जाएगा, पॉजिटिव वन बन जाएगा, सॉरी, इस कंडीशन की मदद से। उसके बाद हमारे पास जे डॉट के है, जे डॉट के हम जानते हैं आई के इक्वल होता है, यहाँ पे आई लिख देंगे। उसके बाद जे डॉट माइनस के, जे डॉट के आई के इक्वल है तो साथ माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस आई। देन हम माइनस जे को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस जे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे तो ये जे आ गया। उसके बाद जे डॉट आई किसके इक्वल है, माइनस के, लेकिन ये माइनस मिलके प्लस बना देगा। उसके बाद माइनस जे इंटू माइनस आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जे डॉट आई किसके इक्वल है, माइनस के, यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस प्लस माइनस, जे डॉट जे जे स्केयर हो जाएगा, जे स्केयर की वैल्यू है माइनस वन, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, डायरेक्ट मैं वन लिख रही हूँ। उसके बाद माइनस जे इंटू जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जे स्केयर माइनस वन के इक्वल है, यहाँ पे मैं माइनस वन लिख दूंगी। उसके बाद माइनस जे इंटू के, जे डॉट के किसके इक्वल है, आई के, लेकिन ये साइन रहेगा तो माइनस आई आ जाएगा। उसके बाद जे डॉट के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, जे डॉट के किसके इक्वल है, आई के, पॉजिटिव आई के। सिमिलरली के वन के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, देन माइनस के, देन के डॉट आई जे के इक्वल होता है, उसके बाद माइनस जे आ जाएगा। उसके बाद के डॉट जे किसके इक्वल है, माइनस आई के, उसके बाद प्लस आई आ जाएगा। उसके बाद जे स्केयर माइनस वन के इक्वल है एंड देन वन आ गया। सिमिलरली हम माइनस के को भी कर लेते हैं, वन के साथ माइनस के एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस के, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, के आ जाएगा। उसके बाद के डॉट आई जे के इक्वल है, लेकिन माइनस जे आ जाएगा इस नेगेटिव साइन की वजह से। उसके बाद प्लस जे आ जाएगा, देन के डॉट जे किसके इक्वल है, माइनस आई के, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन जे डॉट के किसके इक्वल है, माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा। उसके बाद के डॉट के स्केयर के इक्वल है, जो कि माइनस वन है, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस वन हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे और के स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के। तो ये हमने कायलस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया Q8 के लिए। अब हम अगर नोटिस करें, जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे Q8 से ही बिलोंग कर रहे हैं, यानी कोई भी इरेलीवेंट आंसर नहीं आया। यहाँ पे माइनस वन आया था, वो भी इसी सेट का हिस्सा है। यानी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे अगर उसी सेट से बिलोंग कर जाएं तो वो एक ग्रुप होता है। तो इसलिए हमारे पास Q8 एक ग्रुप प्रूव हो चुका है इस कायलस टेबल की हेल्प से।